बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नतीजों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में तेजस्वी भले आगे चल रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन महागठबंधन आगे चल रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 दलों की महागठबंधन को जीत हासिल होने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया जा चुका है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में महागठबंधन तो आगे था, लेकिन नीतीश कुमार ने कड़ी टक्कर दी है। वहीं तेजस्वी यादव के घर के सामने उनके समर्थक पहुंच चुके हैं और भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है वहां पर। तो कई समर्थक मछली लेकर के उनके घर के बाहर खड़े हो गए हैं। कुछ समर्थकों के हाथ में तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें हैं। न्यूज एजेंसी ने एक तस्वीरें शेयर की हैं, जहां देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के घर के सामने आरजेडी के समर्थक खड़े हैं। किसी के हाथ में मछली है तो कोई उनकी तस्वीर लिए खड़ी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। टोटल 111-12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर तेजस्वी यादव जीते तो वो 3 नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। वो देश में किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही बिहार में एक ही परिवार से सीएम बनने वाले वो तीसरे शख्स होंगे। अगर वो कमान संभालते हैं तो इससे पहले सीएम होंगे जिनके माता पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी का जन्म 9 सितंबर 1989 को हुआ था। उन्हें 9 नवंबर 2020 को अपना है। अभी हाल ही में कल उन्होंने अपना 31वां जन्मदिन मनाया और एक ही परिवार से ये तीसरे मुख्यमंत्री होंगे और बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कब? जब वो जीतते हैं। फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है और खबरें अभी तक आपको लगातार हर पल पल की अपडेट्स दे रहा है।